जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन करना देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। शर्मा ने कांग्रेस के इस कदम को देश के उन लोगों के साथ अन्याय बताया जो वर्षों से आतंकवाद और उग्रवाद से परेशान थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से हुए विकास और शांति की खतरे में डाल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए 10 महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। भजनलाल शर्मा ने अपने सवालों में कांग्रेस से जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के समर्थन, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवादियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने के बारे में स्पष्टता मांगी है। उन्होंने कांग्रेसों पर दलितों, आदिवासियों, OBC और अन्य समुदाय के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। शर्मा ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह कश्मीर की स्वायत्तता और पाकिस्तान समर्थित परिवार को लाभ पहुंचाने की राजनीति का समर्थन करती है। इन सवालों के साथ भाजपा ने कांग्रेस पर देश की एकता और सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की नीतियों को उजागर करने का प्रयास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है तो वो बताए, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति, आतंक और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का शोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत कोए ये मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो देश की जनता को, देश के हर नागरिक को सोचने की आवश्यकता है। जिन युवाओं को आगे बढ़ना था, आगे जाना था, उनके हाथों में AK-47 पकड़वाने का काम इन परवादवादी पार्टियों ने किया था। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उसे लूटने में लगे थे।
और उनको आज इसी का दुख था। आज नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के नौजवानों को ताकत दी है, ये उसे वापस छीनना चाहते हैं। कश्मीर में अब कश्मीर अब बदल चुका है, अब वहाँ अमन है, शांति है, विकास है, रोजगार है, आरक्षण है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के रहते उसे कोई नहीं छीन सकता। 370 को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया और उनके मन में जो फितरत रहती है वो आज सामने आ गई। सत्ता के लालच में बार बार देश में एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। ये सारी बातें जो वहाँ की परिवारवादी पार्टियों ने कही हैं और कांग्रेस उसका समर्थन करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस का चेहरा सामने देश के सामने आया है, ये मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।